साहब जी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर आप मानते नहीं है। कुछ नहीं जानता है तो तनख्वाह किस बात की लेता है? चौकीदारी करता है या घास छीलता है? घास भी छील लेता हूँ। क्या है कि हॉस्टल में माली नहीं है ना, तो कभी कभी घास भी छील लेता हूँ मैं। और मैं तेरी खाल छीन लूंगा। अब बोल, बोल। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने। हेलो, पूरा काला छान मारा और ससुर यहाँ बैठे हैं। राजा, मैं तेरी चिंता समझता हूँ दोस्त। मेरी दोस्ती की खातिर तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरे काहे चिंता करते हो, तुम्हें खून करते किसी ने देखा तो नहीं है ना? और फिर देखा भी हो तो क्या हुआ? कौन सा तुमने जानबूझ के खून किया है? अबे अधिक से अधिक क्या होगा, उम्र कैद होगी ना, फांसी तो नहीं लगेगी? अरे 14 साल तो यूं निकल जाते हैं। तुम लोग क्या समझते हो मैं सजा से डरता हूँ? मुझे तो फांसी भी हो जाए ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं। परवाह है तो सिर्फ मम्मी की। अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे हाथों से खून हो गया तो तो मर जाएगी। ये दीपक, क्या पुलिस क्यों आई है? फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। किसके? सभी स्टूडेंट्स के। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर वर्मा का कत्ल भी कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने ही किया है। गुलशन, तू बोल ना मैं क्या करूं। राजा, मेरी बात मान, भाग जा। हाँ राजा, तुम भाग जाओ। राजा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, इससे पहले कि पुलिस आए तू भाग जाओ। भाग जा राजा, तू भाग जा राजा। राजा, पुलिस के आने से पहले भाग जाओ। भाग जा, तू भाग जा। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने इस कॉलेज को चारों तरफ से घेर रखा है। चलो चलो नीचे, नीचे चलकर अपने फिंगरप्रिंट्स दो। कम ऑन, हरी अप। तुम लोग चलो, मैं आता हूं सर। अच्छा ठीक है, घनश्याम तुम यहीं रहो। यस सर। थैंक यू। चल चल, बहुत चाल पट्टी हो गई। ये पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट लेने में कितना वक्त लगेगा? बस यूं ही समझिए 15-20 मिनट और लगेंगे। नाम? राजा। पता बताओ। जॉइनर होम 102 प्रिया पार्क रोड। क्यों नहीं लगा सकते? अब मैं नहीं लगा सकता। क्यों? ये देखो। अरे हथकड़ी, हमारे होते हुए हथकड़ी किसने लगाई तुम्हें? इसने। अबे खोलो से। नहीं खोलेगा सब, खोलेगा तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हो जाएगा? खोल, देखता हूँ क्या लफड़ा करता है ये। दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। खानदानी भिखारी है। दे दे, भगवान तेरी तरक्की करेगा। हाय राजा।
अच्छा तूने फिंगरप्रिंट्स दिए? हाँ, लेकिन मेरी उंगलियों के निशान नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथों में मोम लगाया था, समझे? इसे कोई नहीं बचा सकता, ये तो फंस गया। कैसे? देख, हम सबके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। जब इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे तो पुलिस को पूरा शक हो जाएगा कि मर्डर इसी ने किया है। फिर कब मिल रही है? अरे राजा, हाँ? चलना नहीं है क्या? कहाँ? अरे प्रिया की पार्टी है, भूलिया जो उसका जन्मदिन है। अरे हाँ यार। हाय राजा। हाय प्रिया, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन वाह, मुबारक हो। जन्मदिन वाह। भाई वाह। हाँ भाई, मुबारक हो। थैंक यू। गुल्लू कहाँ है? ओ, एक टैग वाला। हाँ। धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा है। आओ, मैं तुम्हें अपने भैया और भाभी से मिलाती हूँ। चलो, हम भी मिलूंगा। भैया, यह है मेरे भैया और भाभी। हेलो। यह है राजा और उनके दोस्त। नमस्ते। अच्छा, अब तो सारे मेहमान आ गए, चल जल्दी से केक काट ले। अच्छा, प्रिया। ओके। मम्मी ने केक भेजा है, खास अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। भाभी, मैं ये केक काट लूं? बड़े प्यार से भेजा है उन्होंने। अभी से सास का इतना ख्याल रख रही है, शादी के बाद तो हमें भूल ही जाएगी। चल आजा। आइए। हाय। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने गोद लिया हुआ है, क्या नाम है उनका? जी, फ्लोरेंस जॉयनर। फ्लोरेंस जॉयनर, ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। खैर, उनके पति का क्या नाम था? जेम्स जॉयनर। जेम्स, जेम्स जॉयनर जी। सुनिए, केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे। क्या करते थे मिस्टर जॉयनर? जी, एक बिजनेसमैन थे। उनकी मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में या पुलिस फायरिंग में? भैया, मैं नहीं चाहता कि तुम एक झूठे बेईमान और धोखेबाज आदमी से कोई रिश्ता रखो। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। जानते हो ये मुझसे अभी क्या कह रहा था? कि जिस औरत ने इसे गोद लिया उसका पति एक बिजनेसमैन था, जबकि वो एक पेशेवर हत्यारा था। ये आदमी मुझसे कह रहा था कि उस आदमी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जबकि सच्चाई यह है कि आज से 20 साल पहले वो पुलिस की गोलियों से मारा गया था। एक बर्बर हत्यारे की विधवा अपने गोद लिए हुए बेटे को गुंडागर्दी और मक्खारी के सिवा सिखा भी कह सकती है। अपनी जबान को लगाम दे इंस्पेक्टर, लगाम दे अपनी जबान को। मेरी माँ के खिलाफ एक और गलत लफ्ज कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इंस्पेक्टर है। और शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। इट्स ओके, आई एम गोइंग। तुम्हारे शराफत के चिड़िया घर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं, समझे तुम? बाय बाय प्रिया। चले दीपक। ठहरो, जाने से पहले अपनी माँ का ये सड़ा हुआ केक भी लेते जाओ। मुझे लगे मैं मजबूर था, मगर मैं इतना मजबूर भी नहीं हूं कि सरेआम तेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने वाले को इस बात का एहसास भी ना दिला सकूं कि बेइज्जत होने का तर्क क्या होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें चुमना चाहता हूं तो क्या तुम?
भाभी, ये सब नाटक था। What नाटक?